आदिवासी के जेब में पैसा जाए, तो इसलिए आदिवासी लोग इतना खुश है। हिंदुस्तान में पहला सरकार है 2500 रुपये दान करी दी, और इस साल 2600 में पिछले साल किया है, इस साल हम लोग 2800 दान खरीदी करेंगे। ये 2023 का चुनाव है, 2028 में फिर चुनाव होगा। 2028 का चुनाव में 3600 रुपया दान खरीदी लोगों को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का नीति नियम अलग है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता में चलती है, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे का रास्ता में चलती है। इसलिए उद्योगपति आरोपपति का पार्टी है, अडानी अंबानी उनको कर्जा माफ करती है, गांव वाले का कर्जा माफ नहीं करेंगे। कल आज हमारे आदिवासी समाज के लोग, सरु समाज के लोग प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में NMDC में नंबर गेट में आज धरना देंगे, हजारों लोग वहां जाएंगे। नंबर वन गेट में हमारा मांगे है बस्तर के लोगों, कल नरेंद्र मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम उसका स्वागत है, आने चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, उसको आना चाहिए, लेकिन 9 साल में बस्तर में क्या किया, 10 साल में बस्तर के लिए क्या किया? इसलिए हमारा जो एक ही मात्र NMDC आजादी के बाद कांग्रेस का सरकार थी, हजारों लोग नगर नारवाले को जेल भेजे उस जमीन को दिलाने के लिए, 5 माह सुखी क्षेत्र लगा है, तो हमारा बैलाडीला का कदा माल जापान जाता है, जापान। हम लोग यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को आशा था, नौजवान लोग को, तो इसलिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार उस जमीन को अधिग्रहण किया है। तो आज उस NMDC के नगर नार का स्टील प्लांट को प्राइवेट बेचने जा रहा है, इसलिए आदिवासी समाज बहुत आक्रोश है, आज आंदोलन बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कल कल पूरा बस्तर बंद होगा, अगर नरेंद्र मोदी साहब हमारे बस्तर का जो नगर नार को अगर आज घोषणा करेगा मैं प्राइवेट को नहीं दूंगा, नगर NMDC को दूंगा, या हमारा सरकार, मैं उद्योग मंत्री हूं, पिछले साल विधानसभा में मैं बिल पेश किया था, अगर नगर नार को नहीं देंगे, NMDC को नहीं दोगे तमको दो, सरकार चलाएगी, जितना रेट है जो प्राइवेट कंपनी ले रहा है उससे डबल पैसे देंगे हमको दे बोल के BJP के रमन सिंह, तुम्हारा बिरजमान अग्रवाल लोग, बड़े बड़े लोग हाथ उठा के हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं, उस प्रस्ताव को टुकड़ा कर आज प्राइवेट कंपनी को दे रहा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल कतई उस बात को पसंद नहीं करेंगे। आज आने वाला पीढ़ी दिनों दिन पढ़े लिखे हो रहे हैं, जनता जनसंख्या बढ़ रहा है, आदिवासी लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नगर नार का स्टील प्लांट को हम लोग आशा थी यहाँ के नौजवान को नौकरी मिलेगा, उनको पानी पीने का काम कर रहा है, उनको निजी आत्मा देने का काम कर रहा है, इसलिए कल हमारा बस्तर संभाग पूरा बंद रहेगा। अगर पहले रात को घोषणा कर देगा तो बंद नहीं होगा, अगर नहीं करेगा वहां नगर नार नहीं जा रहा है, लोगों को डर के मारे लाल बाग में आके बटन दबाएगा, तो इसलिए हम लोग पूरा बस्तर बंद कल करेंगे। हमको NMDC मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर होना चाहिए, और नगर नार हम या छत्तीसगढ़ सरकार को दे या तो NMDC चलाए। हम पूरे तरह से आदिवासी विरोधी है, आदिवासी लोगों को काला कानून ला रहा है, इसलिए तुम्हारा मणिपुर में आदिवासी लोग का घर जला जा रहा है, आदिवासी लोग वहां हजारों आदिवासी बेघर हो गए, इसलिए मैं यहाँ बस्तर के आदिवासी लोग को मैं बधाई देता हूँ। सबसे उस मामला में भी बस्तर बंद हुआ था, आज फिर हम लोग ये दोनों चारों मुद्दा लेकर हम लोग बस्तर बंद करने जा रहे हैं। अगर निजीकरण नहीं होने देंगे तो शोकत है, केदार का सिर्फ लेट से अगर जगह है तो बधाई है,